झांसी के समथर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में समूह से लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करके एक कंपनी रातों रात फरार हो गई, जिसमें ग्रामीण इलाकों के लोगों के लाखों रुपए लेकर कंपनी पर भागने का आरोप लगा है। कंपनी की ठगी का शिकार हुए लोगों ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए ठगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। दरअसल पूरा मामला समथर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ थाना क्षेत्र के दतावली रोड पर स्थित शिल्पा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कई ग्रामीण इलाकों के लोगों को समूह से लोन देने का सपना दिखाया गया। कहते हैं कि लालच बुरी बला, ये कहावत तो हर किसी ने सुनी होगी। लालच के चलते ग्रामीण इलाके के लोग प्राइवेट कंपनी में कार्यरत युवकों के झांसे में फंस गए। हालांकि लालच बड़ा था, जिसके चलते ग्रामीण इलाके के लोगों द्वारा कंपनी के युवकों से पूछताछ भी नहीं की गई। और तो और उनसे ना कोई आईडी प्रूफ लिया गया, यही नहीं, जिस मकान में कंपनी के लोग रह रहे थे उस मकान मालिक द्वारा भी युवकों से आधार कार्ड नहीं लिया गया। वहीं ठगी के शिकार हुए लोगों के मुताबिक करीब 30 से 40 ग्रामीण इलाके के लोगों को 40-50 हजार रुपए का लोन देने की बात कही गई, और लोन से पहले बीमा के नाम पर किसी से 2,500 रुपए, किसी से 2,000 रुपए तो किसी से 3,000 रुपए भी ले लिए गए, और 20 जुलाई को किश्त खाते में लोन के रुपए आने की बात कही गई। जब शनिवार सुबह 10 बजे तक लोन के रुपए खाते में नहीं आए तो ग्रामीणों के द्वारा युवकों के नंबरों पर संपर्क किया गया तो नंबर स्विच ऑफ बताने लगे, जिससे घबराए हुए लोग दतावली रोड पर स्थित ऑफिस पहुंचे तो वहां ऑफिस का ताला लगा पाया। जब ग्रामीणों ने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे ही वो लोग निकल गए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने समथर थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर समथर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पर जांच में जुट गई। हमारा नाम संतराम सेन है, नई बस्ती समथर। हमारे साथ हमने 13 आदमी जुड़वाए थे, जो वो हमारे पास कल आए थे, वो 25-25 सौ रुपए हर घर से ले गए हैं। किस उससे जुड़वाए थे आपने, क्या था पूरा मामला, संबंध में लोगों को जुड़वाया? हमने संबंध में समूह के लिए लुवाए उन लोगों को लोन, हम लोन जो है दुमाना था कंपनी से, तो जिन लोगों ने कहा कि भाई हमको लोन दबाओ, तो हमने इनको लोगों कंपनी में जुड़वाया, शिल्पा कंपनी में जुड़वाया इन लोगों को, ठीक है। तो जो सर बोले कि हमको जो कल जो है तुम्हारे घर आएंगे, हमारे घर आए तो जो बोले घर घर हमको लुवा चलो, हमने घर घर लुवाया, इन्होंने हर घर से 2,500 रुपए लिए हैं, फिर जाके हाँ बीमा के तौर पर ले गए हैं। ये बोले कि आप 4,500-45,000 का जिनने हमको बताया था, वो बोले 2,500 रुपए आप हमको दो और 45,000 तुम्हारे खाते में पूरे आएंगे, 2,500 रुपए हमको पहले दीजिए। हमने 4,500-2,500 रुपए इनको पहले अल्लाह दिए। अब किस बात को लेकर आप लोग यहाँ ये करते हैं? अरे तो हमको तो जो है खाते में पैसा भी नहीं आया, हमको तो पैसा चाहिए, अगर हमको हमारा पैसा नहीं आता है खाते में तो हमको पैसा चाहिए हमारा वापस। आपने ऑफिस में जाके संपर्क किया, वो लोग मिले कि नहीं? हाँ वो लोग हमको मिले थे, उसी दिन मिले थे जब जिस दिन हमारा फार्म भरा था। आज हमको नहीं मिले, वहाँ पर ताला लगा हुआ पर। क्या नाम? नंदनी तिवारी दतावली की रहने वाली। क्या घटना हुई? हमारे साथ ये घटना हुई जी, हमारे यहाँ गए 3 दिन लग के, समूह का फॉर्म भर लो, समूह का फॉर्म भर लो, और बोले हमने कि सर मुझे नहीं भरना, बोले भर लो मेरी नई लोन है। अच्छा हमने कि ठीक है, हमने घर पे बोला अपने से, मोहल्लों में बोला, हमने लेना हो सबको तो ले लो, हम भी ले रहे हैं, तो बोले ठीक है ले लेंगे। इन हमारे यहाँ फॉर्म भर लिया, दूसरे दिन का बोले हमारे यहाँ आओगी ब्रांच पर, हम ब्रांच पे आए सर, इनके यहाँ जिनकी जमीन है, ये कौन है समथर, समथर में फिर आए, सो इनने हमारे सबके सानान करवा पति पत्नी के, हम 10 लोग आए, 10 जने आदमी आए, इनने फॉर्म भरवा लिया, बोले आपका बीमा पहले लगेगा। हमने कि देंगे सर, वैसे बीमा तो लगता नहीं है, कोई भी सभी निकाल लो। बस जी सुबह हमारे यहाँ गए, सबके मकान चेक किए, सबकी फ़ोटो निकाली, फोटो निकाल के बोले आप अपने पास बीमा रख लेना, कल लेके आना हमारे पास। बीमा के नाम पे कुछ रुपए लिए गए क्या आपने? हाँ रुपया लिए गए होंगे, हमसे 10 लोगों के लिए गए 2,500-2,500 रुपया। अब क्या हुआ जब आज आप लोग आप हमें आए सर, तो उनके यहाँ ताला डला है, कोई है ही नहीं, सब भाग गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का पैसा वापस होना चाहिए, हमें नहीं लेना है समूह। लगभग कितने गांव के लोग इनसे जुड़े हुए हैं? तो जानकारी है? हाँ थोड़ी बहुत तो जानकारी है, बन्ना है ऐसे, कांडौर है, अंगथरी है, बरथरी है, समथर है, कितने तो पता है सर, और नहीं है मुझे जानकारी। क्या नाम है चाची? सकुरन। कहाँ की रहने वाली है? हैंगे। क्या घटना हुई है? है? क्या हुआ? अच्छा आए थे एक दिन किराए खिलाने, तो हमने कही हम नहीं दे हैं ऐसे आदमी को, सच्चे आदमी को दे, हम तो बेकन लगे कि नहीं हम तो अच्छे ही हैं, तो दे दो। कितने लोग थे? 4। किस लिए लेना था उन्हें किराए पे? बिना जाई हो लेना तो बैंक खोलवे। फिर क्या हुआ? अब जाने आप हमका बताए।
आपके यहाँ जो भीड़ आई है वो क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? नहीं तो चले गए। आपको कुछ पता नहीं? हाँ। आपका किराया मिला? नहीं। कितना किराया था, कुछ जानकारी है? जानकारी भी जो कह रहे थे क्या भाई, तो हम जो महीना में 5 दें फिर जरूर हम 10 दें। आपका किराया नहीं मिला? नहीं मिलो। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब खुल गई है आपके कस्बा मोठ में स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी, जिसमें आपको मिलेगी बेहतर सुविधाएं जैसे पर्सनल केबिन्स, हाई स्पीड वाईफाई, आरओ वाटर, डेली न्यूज़पेपर, सेपरेट मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग प्लग, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्किंग सुविधा, पढ़ने के लिए किताबों की व्यवस्था, 2400 घंटे कैमरे की निगरानी में, टाइमिंग 24 आवर्स, डायरेक्टर धीरेंद्र राय कवार एंड ईशु वर्मा। संपर्क करें 8009526056, 8840413357, 7007090605 पर। हमारा पता है निरीक्षण भवन के पास, मेडिकल मोड़, मोठ झांसी। आपके अपने नगर मोठ में नगर एवं क्षेत्र वासियों के लिए खुशखबरी है, तिवारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय अखाड़ापुरा कस्बा मोठ में अब प्रत्येक रविवार 11 से 2 बजे तक हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हड्डी से जुड़े किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें चिकित्सालय के कॉन्टैक्ट नंबर पर, नंबर है 9936903734।